हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए बहुत प्यारी सी क्रोशिए की एक लेडीज जैकेट लेकर आई हूँ। देखिए ये जैकेट इस तरह, ये मैंने पूरी जैकेट क्रोशिए से बनाई है क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं उनको क्रोशिए से भी एक सुंदर सी जैकेट या लेडीज कार्डिगन बनाना बताऊं। ये देखिए एकदम से ये बटरफ्लाई जैसा डिजाइन है। ये देखो सारे में ऐसा बना है कि जैसे कि ये एक बटरफ्लाई है। बहुत प्यारा, देखो कितना सिंपल, बहुत सुंदर डिजाइन है। हमने फ्रंट और बैक दोनों सेम बनाई है। ये हमारी इसकी बैक रहेगी। अब ये कैसे बनेगी ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो जैकेट बनाई है ये मैंने 18 इयर्स गर्ल के लिए बनाई है। आपको एक मेजरमेंट बता देती हूँ कि इसके लिए हमें कोई ऐसा नहीं है कि सिलाई की तरह फंदों का प्रॉपर मेजरमेंट करना पड़ता है। इसमें हमें ये वाली चीज, ये देखो ये हम मेजर कर लेते हैं और फिर हम उतनी ही, ये देखो ये मैंने बैक बनाई है। बैक हमारी जो है वो ये 19 या 20 है, तो हम पहले 20 इंचेस की एक चेन बना लेते हैं और चेन के बाद जो सिंपल चेन होती है, एक हाथ जो है हम वो सिंपल ये डबल क्रोशिए का सिंपल वाला कर लेते हैं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैं एक छोटा सा पीस बनाऊंगी, ये देखो मैं बहुत छोटा सा पीस आपको बना के दिखाऊंगी क्योंकि इतना बड़ा बनाना पॉसिबल नहीं है। ये देखिए ऐसे करके ये हमारी जैकेट का सैंपल है और यहां मैं आपको इसको बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह हम 5 इंच की एक चेन बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने एक चेन बनाई है 6 इंच की, 6 इंच के आसपास की चेन है ये। लेकिन जब ये हमारी इसके ऊपर डबल क्रोशिए का एक हाथ बन जाएगा तो ये हमारी 5.5 इंच या 5.25 इंच के आसपास रह जाएगी। अब हम इसमें एक हाथ डबल क्रोशिए का बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे हर चेन में से ऐसे एक एक सिंपल, ये डबल क्रोशिया बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे करके हम ये वाला पूरा हाथ कर लेते हैं। ऐसे करते हुए हम ये पूरा हाथ बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारा एक इसका पूरा हाथ, ये हमने पूरा हाथ कर लिया है। ये हमारा इसका सिंगल का पूरा हाथ हो गया है। ये देखो अब हम चलिए अपना डिजाइन स्टार्ट करते हैं। ये वाला, ये डिजाइन स्टार्ट करने के लिए यहाँ देखो शुरू में हमें 6 या 7 जो ये होते हैं फलियां होती हैं, ये हमें बटन पट्टी के लिए बनानी है। इसमें हम इतने नहीं बनाएंगे, कम बनाएंगे क्योंकि ये तो मैं छोटा सा सैंपल बना रही हूँ। और इस साइड भी हमें शुरू में 2 या 3 चावल सिंपल करने पड़ेंगे यहाँ। तो आप मान लीजिए मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ पर 2 फलियां सिंपल बना लेती हूँ। ये हमारा उल्टा हाथ माना जाएगा, ऐसे मतलब ये हाथ हमारा इधर का ही स्टार्ट होएगा क्योंकि जो ये मेरा सेकंड हाथ है, सेकंड रो में जो कर रही हूँ वो हमारी ऐसे जाएगी। फर्स्ट रो ऐसे गई है और सेकंड रो हमारी ऐसे जाएगी उल्टी तरफ। मान लीजिए ये मेरा उल्टा हाथ है, रोंग साइड। मैं यहाँ पर शुरू में सिंपल 2 ही बना रही हूँ। आप चाहें तो जैसे अगर हमें यहाँ बटन पट्टी बनानी है तो हमें यहाँ पर 6 चावल बनानी है, लेकिन मैं केवल 2 बना रही हूँ, 3 बना लेते हैं। ये लीजिए मैंने यहाँ पर 3 फलियां बना ली हैं, 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है। अब हमें 1 2 और 1 3 ऐसे, ये हमें
तीन बार हमने तीन चेन बुनी, थोड़ा टाइट हार से, लूज हार है तो आप दो बुनेंगे। और यहां देखिए अब एक दो और तीन, तीन को हमें छोड़ना है, एक दो तीन, चौथे नंबर के चावल में हमें इसमें ये ऐसे, हम तीन में भी ले सकते हैं और ये सॉरी ये देखिए हमें तीसरे नंबर में ये देखो एक दो तीन, इसमें ये डबल क्रोशिया करते हुए इसमें हमें ऐसे डालना है और ऐसे करके निकाल लेना है। ये हमने एक फली बनाई, ठीक है। अब हम इसमें एक चेन बनाएंगे, एक हमने एक चेन बनाई और इसी में हमने एक बार और बनाया, ये देखो ऐसे। अब हमने फिर से तीन चेन बनाई, एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया किया और यहां पर एक दो तीन तीसरे नंबर में हमने डाल दिया ऐसे। यहां हमें सिंपल एक फली बनानी है, फिर से हमने तीन बुने, एक दो तीन, हर बार हमें तीन बुनना है और तीन के बाद ही लेना है, एक दो तीन। अब हम इसमें डालेंगे और यहां हम ये हुआ, ये हमारा डबल क्रोशिया बुना हमने और अब हम यहां पर एक चेन बुनी और अब हम इसी में से दोबारा फिर से निकाल दिया, एक में से ही हमें दो बार निकालना है, एक बार करना है और एक बार दो बार, एक दो तीन चेन बनाई और अब तीसरे नंबर में एक दो तीन ऐसे। हमें ये ध्यान रखना है कि एक बार हमें दो चावल बनानी है और एक बार एक बनाना है, एक दो तीन, तीन बनाए, इस बार हमने एक बनाया है तो इस बार हम दो बनाएंगे, एक दो तीन, तीसरे नंबर से निकालेंगे ऐसे। हम अपने पीस का ध्यान रखेंगे कि हमारा पीस ये चौड़ा ना हो जाए। अब एक चेन बनाएंगे बीच में सिंपल और यहां पर एक बार और, इस बार हमें दो फलियां बनानी थी ऐसे, इस बार फिर से हमें एक फली बनानी है। अगर हाथ ज्यादा लूज चलता है तो यहां दो चेन बनाएंगे। अब एक दो तीन, इस बार हमें एक फली बनानी है, पूरा हाथ हमारा ऐसे ही रहेगा। ये देखिए ये हमारा पूरा हाथ ऐसे हो गया है, ये हमारा इधर से सीधा है तो हमारा ये हमने अभी रोंग हाथ किया है। अब हम राइट पे फिर से आ गए हैं, इस बार ये हमारा बटरफ्लाई वाला पैटर्न शुरू हो जाएगा। शुरू में हम अपने दोनों ये हमारे दो फलियां हैं, दोनों के ऊपर दो बना देते हैं, एक एक इसके ऊपर बनाएंगे दो, ये देखिए हमने ये बना लिए हैं दो। अब हम ध्यान दीजिएगा, जो हमने एक ही फली में दो फली बनाई थी, एक बार हमने एक फली बनाई थी और एक बार दो, जो दो फली बनाई थी उसमें हम यहां क्रोशिया डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे, यहां ये जो लंबाई में नजर आ रहा है इसके ऐसे बीच में, और ऐसे इसको पकड़ेंगे और यहां पर हम ऐसे बुनेंगे, एक फिर डालेंगे दो, फिर डालेंगे तीन, फिर डालेंगे चार और फिर डालेंगे पांच और एक बार और डालेंगे पांच, ये हमने पांच बार डाला है। अब हम इसको एक बार और डालेंगे, छह हो जाएंगे ये, हम पांच भी कर सकते हैं और छह भी कर सकते हैं। अब देखिए हमने ऐसा सारा क्रोशिया में ले लिया
और अब हम इनमें से दो दो को घटाते जाएंगे। ऐसे दो को घटाया, फिर धागा लिया, फिर दो को घटाया, फिर धागा लिया, फिर दो को घटाया, फिर धागा लिया, फिर दो को, फिर धागा लिया, फिर दो को, दो या तीन को एक साथ, और अब हम ऐसे और अब इन दो को ऐसे हमने ये ऐसे घटा देना है। अब जो अब हम ऐसे कर लेंगे इसको और ऐसे क्रोशिया पे डबल क्रोशिया करेंगे। और ये जो बीच में हमने एक चेन बनाई थी इसमें इसमें हम सिक्स फलियां बुनेंगे सिंपल बिल्कुल ऐसे। एक दो तीन चार पांच और एक छह, ये छह फलियां हमने बिल्कुल सिंपल बुनी। अब हम फिर से इधर जैसे हमने इधर छह बार बुना था सिक्स टाइम, ऐसा ही अब हम इस वाली फली में बुनेंगे। एक दो तीन चार पांच और एक छह। अब हम इनमें ऐसे ही करते हुए एक दो तीन, तीन को भी उतार सकते हैं और दो दो को भी, तीन चार पांच और एक छह, ये हम इसको छह बार उतार देंगे ऐसे करते हुए। अब हम अब जो हमारा सिंगल चावल था ये सिंगल फली थी, अब हम इसमें सिंपल सिंगल फली के ऊपर एक सिंगल फली बनाएंगे ऐसे डबल क्रोशिया कीजिए। और फिर से हम इसमें हमें कोई चेन नहीं बनानी है, अब हम फिर से ये डबल वाले पे आ गए हैं। फिर से पहले यहाँ सिक्स टाइम बनाएंगे यहाँ जैसे हमने उसमें बनाया था, एक दो थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब हम इसको यहां से ऐसे करेंगे, ए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और इसके बीच से इसी में से सिक्स बार सिंपल बुनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, हर बार सिक्स का ही। और अब हम ऐसे ही सिक्स इसमें से निकालेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब हम इसको ऐसे करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। हम ऐसे तीन तीन को उतारते चले जाएंगे। इस तरह हम ये अपना पूरा हाथ बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह ये हमारा एक हाथ पूरा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा ऐसे देखो ये वाला डिजाइन कंप्लीट। ये दो हाथ का डिजाइन है। अब हमारा दूसरी बुनाई हम शुरू करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये अपने जो सिंपल है किनारे वाले इनको बुन लेते हैं, एक दो और एक तीन। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये हमारे चार थे, तो यहाँ पर हम तीन है, यहाँ हम यहाँ पर अब हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो और एक तीन। ये हमारी तीन चेन बन गई हैं, ये हमारी तीन चेन बन गई हैं।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो बीच में हमने ये सिक्स बनाए थे, ये वाले, इनके बीच में, तीन के बीच में, ये हमने छः बनाए थे, सिक्स बनाए थे, तो यहाँ देखो वन टू थ्री, थ्री हम इधर छोड़ेंगे और थ्री इधर, वन टू थ्री, इसके बीच से यहाँ सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया नहीं लेना है, धागा ऐसे नहीं करना है, इसके बीच से ऐसे पूरा ऐसे, इसको हमें ऐसे यहाँ ऐसे अटैच कर देना है। ये फिर से तीन बनाने हैं, एक दो तीन, और यहाँ जो ये हमारा सिंगल फली थी बीच में, ये सिंगल, इसमें इस बार हमें डबल बनाना है, एक, ये अब एक चेन बनाएंगे ऐसे, और अब हम इसमें इसी में सेम दोबारा बनाएंगे, ये फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, ये, और यहां पर ये हमारे जो सिक्स हैं इनके बीच से वन टू थ्री, इनके बीच बीच से ऐसे, यहाँ बिना डबल क्रोशे के सिंगल क्रोशे ऐसे, फिर तीन चेन, एक दो तीन, और जो ये सिंगल चेन है, सिंगल फली है, इसमें डबल बनाएंगे, सॉरी यहाँ डबल क्रोशिया बनाना था, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमारी जो बटरफ्लाई बनी बनेगी वो इसके अंदर बनेगी, ये एक चेन बनाई और अब फिर हमने इसमें डबल बना दिया, ये अब फिर तीन चेन बनाई, एक दो तीन, और यहाँ पर इनके जो ये छह हैं इनके बीच से एक दो तीन, इनके बीच में ऐसे डाला और यहाँ पर सिंगल क्रोशिए से, ये देखिए ये इस तरह हमारा पूरा हाथ कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए इस तरह ये हमारा हाथ उल्टे वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी सीधी साइड में आ गए हैं और इधर हमें फिर से वही सेम दोहराना है, पहले जो हमारी ये दो सिंपल फलियां हैं हम इनके ऊपर बनाएंगे ऐसे, एक और बना लेते हैं ऐसे, ये हमारी दो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम ये, क्योंकि अब हमारा जो ये वाली बटरफ्लाई बनेगी वो इसके अंदर बननी है, यहाँ डबल है तो इसके अंदर बननी है, तो इतने हम यहाँ तक के लिए फलिया बनाएंगे नॉर्मल, यहाँ हम तीन फली बना देते हैं तीन चैन में, एक दो और एक तीन, एक बार हमारी दो फली आएंगी ये वाली और एक बार हमारी ये पांच आ गई है। अब हमें कोई चेन नहीं बनानी है, हम यहाँ आ गए हैं, अब हम इसमें ऐसे ऐसे घुसा डालेंगे और यहाँ पर वही सिक्स बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच और एक छः, इसको उतारेंगे सेम वैसा ही वही पैटर्न रहेगा हमारा, इसको सिक्स टाइम करके हम उतारेंगे, तीन तीन धागे एक एक बार में लेंगे, ये अब हम ऐसे आ गए हैं, तो अब हम इसके बीच से यहां डालेंगे और यहां पर सिक्स फलियां बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच और एक छह, ये छह बन गए हैं। अब हम घुमाएंगे और इसमें फिर से उसी तरह सिक्स बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच और एक छह, अब हम इसको करेंगे, एक दो तीन चार पांच और एक छः, ये हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पर ऐसे,
ये जो हमारा एक सिंगल है, सिंपल है, इसमें हम सिंगल फली बनाएंगे ऐसे। यहां हमको सिंपल फली बनानी है ये, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमारी इसमें दो बननी है। और यहां पर हम फिर से वही अपना यही वाला बटरफ्लाई वाला फूल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह ये हमारा हाथ ये भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ हमने इसके ऊपर सिंगल चावल बना लिया है। अब हम यहाँ ये वाले अपने सिंपल बना लेते हैं। ये सारे हम सिंपल बना देते हैं ऐसे। ये हमारा नेक्स्ट रो शुरू हो गई है। ये हमने तीन के ऊपर तीन बना लिए हैं और अब यहाँ हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। और तीन चेन बनाने के बाद यहाँ हम इसमें दो फलियाँ बनाएंगे, एक और एक दो। सॉरी यहाँ मैं चेन बनाना भूल गई हूँ, पहले एक चेन बनाएंगे ये वाली, क्योंकि इसमें हमारा बटरफ्लाई वाला डिजाइन बनना है ये ऐसे। अब हमें कोई चेन नहीं बनानी है और इनके तीन के बीच से एक दो तीन ऐसे, फिर वही एक, अरे अरे सॉरी, यहाँ हमें तीन चेन बनानी थी पहले हम एक दो तीन। अब हम इसके बीच से आएंगे फिर से तीन चेन, एक दो तीन। और अब हम इसमें दो, ये जो ये एक सिंगल है, सिंगल फली में डबल फली बनाएंगे एक। अब एक चेन बनाएंगे, यहाँ दो फलियां बनाएंगे ऐसे। अब तीन चेन, एक दो तीन, और इनके तीन के बीच से निकालेंगे एक दो तीन ऐसे। इस तरह हमारा ये हाथ भी कंप्लीट हो जाएगा और ये डिजाइन हमारा ऐसे कंटिन्यू। अब हम इसके बीच से यहाँ पर हमारी ये बटरफ्लाई बनेगी। आप ये डिजाइन बड़ा इजीली तैयार कर सकती हैं। अगर आप किसी भी बेबी स्वेटर में, शॉल में, स्कार्फ में, किसी में भी ये मफलर में ये वाला डिजाइन बना सकती हैं, बहुत प्यारा लगेगा। फिर आप इसमें सिंपल मुड्ढों की घटाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ हमने ऐसे चार चार चावल, एक चार फलियां एक बार घटाई है और दो नेक्स्ट टाइम घटाई है, साथ में ही वी गले की घटाई कर दी है। हर बार एक एक फली घटाते जाना है। इस तरह से ये हमारी जैकेट तैयार हो जाएगी। अगर कोई कमेंट या क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।